डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए जो केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वह एक चैप्टर था जिसका नाम था एमीन। हम लोगों ने एमीन के बारे में पूरी तरीके से अच्छा से पढ़ा। अब चलिए हम लोग अभी भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन ही पढ़ रहे हैं। कार्बनिक रसायन तब जाकर ख़त्म होगा जब हम लोग टोटली 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यानी कि टोटल कार्बनिक रसायन में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 6 नंबर चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव अणु। ठीक है, जैव अणु जिसको इंग्लिश में बायोमोलेक्यूल्स कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर को जिसका नाम है जैव अणु। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जैव अणु है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक्स भी हम बनाएंगे। जैव अणु हम लोगों का टॉपिक्स भी है, तो टॉपिक्स बनाया जाए जैव अणु। और जैव अणु का फर्स्ट एरो दिया जाए, फर्स्ट एरो देकर जैव अणु के बारे में लिखा जाए। जैविक तंत्रों में पाए जाने वाले समस्त अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोमा एमिनो अम्ल, कोमा प्रोटीन, कोमा न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन जैव अणु कहलाते हैं। विटामिन जैव अणु कहलाते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछेगा कि आखिर जैव अणु क्या है या जैव अणु किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली आप बताएंगे कि जैव अणु उसे कहा जाता है जो किसी भी जैविक तंत्रों में पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ जैविक तंत्र? जैविक तंत्र का मतलब कोई भी सजीव पदार्थ जिसमें उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, न्यूक्लिक अम्ल की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग जैव अणु की कैटेगरीज में रखते हैं। यानी कि जैव अणु हर जैविक तंत्र में पाया जाता है, चाहे उस जीव को विटामिन की आवश्यकता हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हो। अगर उन जैविक तंत्रों में ये सभी पाए जाते हैं, इन सभी की आवश्यकता है, इन सभी मतलब किस किस की? कार्बोहाइड्रेट की, एमिनो अम्ल की, प्रोटीन की, न्यूक्लिक अम्ल की, विटामिन की, अगर इनकी आवश्यकता है तब उन्हें हम लोग कहते हैं जैव अणु। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात कि जैव अणु आखिर काम क्या करता है, जैव अणु का काम क्या है। एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि ये जो जैव अणु है ना, इन जैव अणु का मुख्य कार्य किसी भी जीवित प्राणियों के निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर जीवित प्राणी है उसका निर्माण करने में जैव अणु का बहुत ही अहम भागीदारी है। अगर मान लिया कि कोई भी जीवित प्राणी है उसमें इन सारी चीज़ों में से कि कोई नहीं है, तब वो जीवित प्राणी का निर्माण नहीं कर सकता है। यानी आप समझो कि आप कुछ भी खाते हो, दाल भात रोटी चावल, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, एमिनो अम्ल, सभी जो खाने वाले पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनसे सभी ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, जिसके वजह से आपकी शरीर इनको पाकर मेंटेनेंस कर पाती है और फिर हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो एक्चुअली जैव अणु में हम लोग यही पढ़ेंगे। जैव अणु एक्चुअली बायोलॉजी का चैप्टर है जिसको हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एरो देखकर लिखेंगे। नेक्स्ट एरो देखकर
लिखा जाए, जैव अणु जीवित प्राणियों के निर्माण में तथा उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, आपको जानना चाहिए, जैसा कि हम आपको बताएं अभी कि जैव अणु का काम क्या होता है। जैव अणु का कार्य, मेन कार्य है किसी भी जीवित प्राणी का निर्माण करना। अगर मान लिया कि जीवित प्राणी का निर्माण हो गया, अगर उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है तो ये भी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। इसलिए जैव अणु एक्चुअली होता क्या है, तो जैव अणु में न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, विटामिन जैसे अणु पाए जाते हैं, और इनका जो कार्य है वो जीवित प्राणियों का निर्माण करना और उनमें वृद्धि करना, विकास होना। ठीक है, चलिए, तो इस जैव अणु के चैप्टर में एक्चुअली हम लोग डीपली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एक्चुअली। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, जैव अणु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आते हैं, एमिनो अम्ल आते हैं, और फिर आता है बारी प्रोटीन का, फिर न्यूक्लिक अम्ल का, फिर विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जैव अणु है, हालांकि ये बायोलॉजी में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से देखेंगे। तो एक्चुअली अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी अब टॉपिक हम लोग देंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक्चुअली हमको पता चला कि जैव अणु है क्या, तो जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, ये सब सारे जैव अणु कहलाते हैं, और जैव अणु के ही कारण कोई भी जीवित प्राणी का निर्माण होता है, उसमें वृद्धि होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में हम लोगों को जैव अणु पता चलता है। तो जैव अणु कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी होता है। तो चलिए, हम लोग अब टॉपिक दिए हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या दिए हैं टॉपिक्स, कार्बोहाइड्रेट। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे डिटेल्स हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर प्रोटीन्स के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, फिर विटामिन्स के बारे में जानकारी लेंगे, पक्का। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों का मेन टॉपिक्स है, इसके नीचे फर्स्ट एरो लिया जाए, लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, वे यौगिक जो जल अपघटित करके ग्लूकोज लिखने तो आएगा ना, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज कॉमा स्टार्च जैसे अणुओं का निर्माण करते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलो देख लो, कार्बोहाइड्रेट आज से अगर कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन हम वही बोलेंगे कि वह सारे यौगिक जो हम लोग खाते पीते हैं, वो जल के साथ अपघटित का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करें या फिर जल को अपघटित कर दे, अपघटित का मतलब उसको हटा दे, रिप्लेस कर दे। तो एक्चुअली हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को पता है कि वह यौगिक जो जल को अपघटित करके, यानी कि जल के साथ रिएक्ट करके हम लोगों को क्या क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिले या स्टार्च मिले, तो अगर इन सभी यौगिक का निर्माण होता है अणु का, तब इनको हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर या जल में अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है या स्टार्च बनता है, तब इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से
जानते हैं। अब हमको सबसे पहला ये पता चलना चाहिए कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यानी कि मुख्य रूप से ये कार्बोहाइड्रेट पौधों में पाए जाते हैं। एक्चुअली जो भी हम लोग खाते हैं चावल, तो चावल भी पौधे से प्राप्त होते हैं। आटा खाते हैं यानी कि रोटी, वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिए पौधों में पाया जाता है। तो इस बात को भी लिख लिया जाए। नेक्स्ट एरो, कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड एरो में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स लिखेंगे मीठे फलों कॉमा गन्ना, मीठे फलों कॉमा गन्ना कॉमा शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखा जाए गेहूं कॉमा चावल कॉमा मक्का तथा आलू में स्टार्च के रूप में। ध्यान दीजिएगा, आपको हम अभी बताएं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से पता चला पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पौधों में पाए तो जाते हैं, अब रहा बात कि कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन सीखे हैं कि जो जल के साथ अपघटित करके ग्लूकोज प्राप्त हो, फ्रक्टोज प्राप्त हो, स्टार्च प्राप्त हो, तब हम इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किससे प्राप्त होते हैं, तो ये भी पौधों से ही प्राप्त होते हैं, और स्टार्च भी जो है पौधों से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन किसको ग्लूकोज बोलेंगे और किसको फ्रक्टोज बोलेंगे, तो याद रखिएगा कोई भी मीठे फल खाते हैं जैसे आम, लीची, अंगूर या फिर और भी सेब, संतरे, ये सब मीठे फलों में आते हैं। तो जो भी मीठे फल खाते हैं, इसके अलावा आप गन्ना का रस पीते हैं या फिर शहद खाते हैं जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, तो ये सभी क्या, इन सभी चीज़ों से हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, तो मीठे फल, गन्ना, शहद, ये सब क्या में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और इसके साथ एक और इसका पार्ट्स होता है सुक्रोज, तो ये भी पाया जाता है। और दूसरा बात कि स्टार्च किस किस में पाया जाता है, तो चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ये सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। इसलिए हम लोग कुल मिलाकर सभी बात को ये हम लिख दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो बनता कैसे है, ये तो पता चला कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पौधों में पाया जाता है। अब पौधों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये बनता कैसे है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट एरो में लिखेंगे। ये तो एग्जाम्पल था, उसके नीचे नेक्स्ट एरो, पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है,
याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट आखिर बनता कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है जो पौधों में संचित होता है, और उन पौधों को हम लोग खाते हैं। जैसे कि पौधों के फल में, जैसे चावल का फल हुआ जिसको हम लोग चावल खाते हैं, तो वो भी एक स्टार्च हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़े कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही और जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार हैं और उनका क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।